जय हिंद दोस्तों। जय हिंद। यदि तुम्हारा चेस्ट काफी कमजोर है, यदि चेस्ट तुम्हारा बिल्कुल कम है, तो आज का यदि वर्कआउट कर लिया तो तुम्हारा चेस्ट काफी डेवलप होगा। और यदि आपका सांस भी यदि फूलता है तो ये वर्कआउट करते हैं तो आपको काफी लाभ मिलेगा। तो आइए ऐसे कुछ वर्कआउट कर रहे हैं। हाथ को ऐसे कर, ठीक, हाथ को इतना उठाएंगे। जब भी हम इस वर्कआउट को करेंगे तो पहले वार्म अप कर जरूर करेंगे, या यदि आप फिजिकल करते हैं तो सभी वर्कआउट कंप्लीट कर लेने के बाद इस वर्कआउट को कीजिएगा तो लाभ मिलेगा। बॉडी यदि आपका गर्म नहीं होगा तो लाभ नहीं मिलेगा। पहले बॉडी को सीधा रखेंगे, अभी जस्ट वार्म अप किए सब लोग, एक्सरसाइज करके टोटल वर्कआउट करके सब लोग इसके बाद ये कर रहे हैं। चलो बॉडी को सीधा रखेंगे, पेट को खींचेंगे पूरा, खींच लिया, हाथ को इतना रखेंगे, ठीक, और सांस को देखो ऐसे नहीं करना है, ठीक, हमको हाथ को सीधा उठाना है ऐसे ऊपर की ओर, हाथ को सीधा रखेंगे। यहाँ पर हम 19 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक है, 90 डिग्री का कोण बना के यहाँ पर सटाएंगे, ऐसा नहीं कि नीचे कर लेंगे, हम पूरा ऊपर रखेंगे, फेस को अपना ढक लेंगे इससे, पूरा सांस भरो, नीचे नहीं, हाँ ऊपर ही हाथ को खींचेंगे, सांस छोड़ो, कर लिया, अब जाओ कोर वर्क, ठीक है, हाथ को ऐसे रखेंगे, ठीक, सीधा नहीं रखेंगे, पूरा हाथ को यहाँ पे रखेंगे, ठीक, पूरा खींचेंगे, यदि आपके पास ईंट हो तो ईंट को रख के नहीं होना जगह मिलेगा ले लेना है, ध्यान रहे कि दोनों का ईंटा का वजन और साइज समान है, ठीक है। बॉडी को सीधा रखेंगे, हाथ को ऐसे रखेंगे, तो पूरा खींचेंगे, पूरा यहाँ पे खींचा होगा, ठीक है, पूरा पूरा, ठीक है, रखेंगे, ठीक है, पैर को इतना दिखना रखेंगे, हाथ को ऐसे रखेंगे, ठीक है, हाथ को यहाँ रख के ऐसे नहीं मिल सकता, चलो थोड़ा यहाँ पढ़ना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे डाउन, अब ठीक थोड़ा सा नीचे रखेंगे, और डाउन हो ऐसे, और थोड़ा कमर झुका, हाँ पूरा खींच, हाँ हनुमान, ठीक है, हनुमान जी ऐसे रख के, ठीक है, ऐसे टच अप डाउन, ऐसे करके उठाओ पूरा, डाउन डाउन डाउन, ठीक, नॉर्मल। हनुमान को कितना 3 सेट में सब एक्सरसाइज करेंगे, अभी जितने भी हम वर्कआउट कराएंगे एक्सरसाइज वो सभी 3 सेट में करने हैं, ऐसा नहीं कि एक ही सेट में, ठीक है, चलो 3 का सेट मारेगा, ठीक है, हाँ बहुत अच्छा, 3 का सेट मारना है, ठीक है, 12 12 3 3 को सेट, 10 सेकेंड का रेस्ट लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ठीक है, और कोशिश करेंगे पेट को दाब कर, पेट को खींचे और चेस्ट पर इसको दाब, ऐसे 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 करना है और एक्सरसाइज भी, ठीक है, दाब लेंगे, उसके बाद में यहाँ रख के इसको ऐसे करना है, दोनों पैर को पीछे ले जाएंगे और पैर को थोड़ा सा डिस्टेंस करेंगे, जितना हाथ मेरा होगा इस शोल्डर के समीप लाएंगे और इसी के समीप
पैर को रखेंगे, ठीक है। पूरा पहले क्या करेंगे हम इसको खींचेंगे, अब पहले नाक कटाएंगे ऐसे, नाक ठूठी चेस्ट, उसके बाद में ऐसे आप पूरा आप आकाश को देखेंगे, ठीक है। स्टार्ट ऐसे करो, पूरा खींच ऊपर डाउन अप 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 डाउन डाउन पूरा अप पूरा अप बैक डाउन अप पूरा खींच, हल्का मोड़ के इसको ऐसे यहाँ पे जोर पड़ाना है, ठीक है। सीधा डाउन, अब दोनों पैर को ऐसे संभालेंगे और हम अपने हाथ को देखो डिप्स कैसे मारा जाता है, डिप्स में मारने का भी तरीका सुनो। हाथ को सीधा रखेंगे, पूरा पूरा बॉडी को स्ट्रेट, ठीक है। और हाथ को पूरा ऐसे नहीं खोलेंगे ना पीड़ा पीछे, हम क्रॉस में हल्का सा, ठीक है ऐसे, और थोड़ा सा होल्ड, उसके बाद आप, ठीक है। सबसे ज्यादा फायदा कर रहा है नीचे वाला जो होता है ना उसको बढ़ाता है, नीचे वाला जो होता है चेस्ट नापने में काफी अहम भूमिका निभाता है, इसको ये बढ़ाता है, ठीक है। बॉडी को सीधा रखेंगे ऐसे, और पैर तो दोनों समान रखें ऐसे रखेंगे, रख लिए पूरा, ठीक। और हाथ पूरा बॉडी को सीधा रख के ऐसे हाथ फोल्ड करो, पूरा सांस लेंगे, पेट को पहले खींचो पूरा सब, उसके बाद में चेस्ट पर वजन लेके तब करो अप डाउन अप डाउन अप डाउन। पहले दो ईटा सामान लेंगे बराबर, ठीक है, ये तो इसमें पर छोटा सा रख लिया। उसके बाद में इसको हाथ को यहाँ पे रखेंगे, समझ में आया, हाथ को यहाँ पे रखेंगे, ऐसा मत ऐसा उठकर जगह पर मत रखें, क्योंकि ये बराबर जगह नहीं है, तो ऐसा नहीं कि तुम सब भी ऐसा ही कर लो, ठीक है। यहाँ रखेंगे, देखना कि पीछे पलटा है ना, ऐसा मत बना के रखें। उसके बाद में शोल्डर के समाप्त रख लेना है, दोनों पैर को सटाना है, और पीछे वाला जो तुम्हारा है अभी कुल्ला, ये दोनों सटा लेना है। उसके बाद में पूरा वेट हल्का मोड़ लेना है हाथ को ऐसे, पूरा चेस्ट और वेट दो, पूरा पेट को अंदर खींचो, रखो अब हाथ को, हाँ अब वजन पड़ा पूरा हड्डी चढ़ा, अब इसको करो, हाँ पूरा पूरा चेस्ट पर खींचो, जब हम लास्ट कर लेंगे टोटल, उसके बाद में पेट को थोड़ा सा अंदर खींचेंगे ऐसे, ठीक है, खींच के उसको ऐसे ऐसे चला, पूरा ऐसे 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 कर, पेट को अंदर खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ, ठीक है। उसके बाद में पूरा ऐसे छोड़ेंगे, ठीक है, थोड़ा सा एक राउंड अब तो पूरा 81 फुला दिया, 81 हो गया, चलो अब पास हो गया, फुलाओ फुला चेस्ट ऐसे नहीं, इसको आराम से रखो, चेस्ट कभी भी फुलाना है इसको ऐसे लेके केवल ये वाला मेरे पर ध्यान दो, ऐसे इसको थोड़ा देर रोक लेना, इसको रोक लेना है, सांस को हल्का फुल्का लेना है, ठीक है। हाथ को पीछे खींचे यहाँ पे, पूरा 88 पूरा खींच ले, ठीक है।